छप्पन का ढोला 46 के छाते। दोस्तों बॉलीवुड सॉन्ग की ऐसी टैगलाइन इंडियन यूथ को बहुत भाती है, क्योंकि मस्कुलर बॉडी देखकर कई युवाओं के मन में भी वैसा ही शरीर बनाने की चाह उठती है। आज के मॉडर्न जमाने में स्मार्ट देखना हर युवा की इच्छा होती है, लेकिन एक अच्छी बॉडी के पीछे सालों की मेहनत छुपी होती है। लेकिन अक्सर कई लोग उस कड़ी मेहनत को नजरअंदाज करते हुए स्टेरॉइड्स और प्रोटीन इंजेक्शन जैसे शॉर्टकट्स अपना लेते हैं, बिना ये जाने कि इसका इस्तेमाल उनको गंभीर रूप से बीमार कर सकता है और इससे जान तक भी जा सकती है। आज के वीडियो में हम आपकी मुलाकात एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और सिंथॉल इंजेक्शन जैसे शॉर्टकट्स का यूज करके बॉडी बनाने वाले कुछ ऐसे लोगों से करवाने वाले हैं, जो कुछ समय के लिए तो इन शॉर्टकट्स की वजह से काफी अच्छी काया के मालिक हो गए, लेकिन आगे चलकर इन्हें अपनी इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्राजीलियन हल्क ब्रदर्स। दोस्तों सबसे पहले आप ब्राजील में रहने वाले इन हल्क ब्रदर्स से मिलिए, जहां टोनी जेराल्डो और अल्वेरो परेरा को हल्क ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन आप इनकी बॉडी को देखकर ये मत समझिए कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके ये बॉडी बनाई है, क्योंकि इन्होंने मेहनत सिर्फ एक ही चीज में की है और वो है स्टेरॉइड्स लेने में। दोस्तों इनकी बॉडी नकली है, जहां इसे स्टेरॉइड्स लेकर बनाया गया है, वो भी अभी नहीं बल्कि दोनों भाई 15 साल की उम्र से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जिसके बारे में इन्होंने कई बार खुलेआम लोगों से भी बोला है। और आप ये बात जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस ड्रग का इस्तेमाल ये लोग अपनी बॉडी को मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं, उसे बीमार घोड़ों को दिया जाता है ताकि उनके मसल्स मजबूत हो जाएं। अब दोस्तों इन दोनों भाइयों की सोच को क्या ही कहा जाए। ग्रिसेन बारबोसा। हमें पता है कि इन मोहतरमा को देखने के बाद आपके मुंह से डायरेक्ट यही निकला होगा, वाह क्या बॉडी है इनकी। तो दोस्तों ऐसे में हम आपको बता दें कि इनकी बॉडी दिखने में तो वाव है, लेकिन इनके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से इनकी वाहवाही की जाए। क्योंकि ग्रेसी एन नाम के इस इंस्टाग्राम मॉडल की 2017 की वीडियो इनकी फेक बॉडी का साफ साफ सबूत देते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि ये 204 किलोग्राम का वजन उठा रहे हैं, और वो भी इतने आराम से जैसे ये 204 किलोग्राम का नहीं बल्कि 4 किलो का कुछ उठा रहे हो, और न ही इनकी बॉडी पे किसी तरह का कोई स्ट्रेस पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इनका कंपैरिजन उस टाइम की फीमेल पावरलिफ्टिंग चैंपियन के साथ करें, तो उन्होंने भी लगभग इनके बराबर वजन उठाया था, लेकिन उनकी मेहनत और स्ट्रेस उनकी बॉडी पे साफ नजर आ रही है। ऐसे में आप खुद ही बताइए कि किस एंगल से हम इन्हें रियल बॉडी बिल्डर इन्फ्लुएंसर कहें। ब्रैड कैसलबरे। दोस्तों अब ये बात तो सभी अच्छे से जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स पाने के लिए फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ठीक उसी तरह ब्रैड भी एक ऐसे ही बॉडी बिल्डर हैं जिनके इंस्टाग्राम पे 10 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और अपने फॉलोअर्स को और ज्यादा आकर्षित करने के लिए अपनी बॉडी कैसे भी करके लेकिन बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं। और इसी वजह से इनके कुछ फोटोज और वीडियोज तो ऐसी हैं जिन्हें देखकर तो लगता है कि इस तरह का वर्कआउट करना वाकई में बहुत ज्यादा कठिन है। ऐसे में जब इनकी 2007 की डेडलिफ्टिंग की फोटो देखी जाए तो इन्होंने वही सेम वजन उठाया है जो इन्होंने 2018 में उठाया है, लेकिन 9 सालों में इनकी बॉडी काफी ज्यादा जायंट हो गई है। लेकिन अगर वाकई ऐसा है तो वो चीज इनकी डेडलिफ्ट में भी दिखनी चाहिए, लेकिन इनका वजन तो 9 सालों से सेम है। क्यों दोस्तों, सोचने वाली बात है ना। ग्रेग वैलेंटिनो। दोस्तों कई सारे लोग अलग अलग तरह की चीजें करके फेमस हो जाते हैं, लेकिन ग्रेग वैलेंटिनो एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी बॉडी में स्टेरॉइड्स इंजेक्ट करके फेमस हुए। जी इन्होंने स्टेरॉइड्स इतनी ज्यादा ले ली कि लोग इन्हें पहचानते ही इसीलिए थे कि ये स्टेरॉइड्स लेते हैं। इनकी बॉडी में हर पार्ट में आपको स्टेरॉइड ही स्टेरॉइड देखने को मिलेगा। इसी स्टेरॉइड की वजह से इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि इनके हाथों की मसल्स पूरी फूल गई हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने इनका ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। इसलिए इन्होंने खुद ही छुरी और चाकू लेकर अपना ऑपरेशन करने की सोची, जिसका दर्द इनसे सहा नहीं गया और फिर मजबूरन डॉक्टर्स को ही इनका ऑपरेशन करना पड़ा। लेकिन इतना कुछ होने के बाद इन्होंने तब से कसम खा ली कि ये स्टेरॉइड्स को हाथ भी नहीं लगाएंगे। रोमारियो डॉस सैंटोस अल्वेस। दोस्तों अब आप ब्राजील में रहने वाले रोमारियो से मिल गए, क्योंकि इन्हें एक रियल लाइफ हल्क बनना था, जिसके लिए इन्होंने शुरुआत में तो बहुत मेहनत की लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं नजर आया, और फिर इन्होंने ज्यादा से ज्यादा सिंथॉल लेना शुरू कर दिया। ये कुछ और नहीं बल्कि पेन किलर ऑयल और अल्कोहल का एक मिक्सचर है, जिसे लेने के बाद बॉडी में तरह तरह के चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और ऐसे में अगर इन्हें डायरेक्टली मसल्स में इंजेक्ट कर दिया जाए तो ये काफी ज्यादा तेजी से असर करते हैं, और वो असर आपको इनकी बॉडी पे भी दिख रहा होगा, जहां ये वाकई में बहुत सख्त बॉडी के मालिक बन गए। लेकिन दोस्तों एक दिन उनका एक दोस्त ऐसे केमिकल को लेने की वजह से मर गया, जिसके बाद इन्हें समझ आ गया कि इनका भी अंत नजदीक आ जाएगा अगर ये इसे लगातार लेते रहेंगे, जिसके बाद इन्हें अक्ल आ गई और इन्होंने अब नेचुरल तरीके से बॉडी बनानी शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों अब तो इनका शरीर एक तरह से बर्बाद हो चुका है। नतालिया कुज़नेत्सोवा। दोस्तों बॉडी बनाने में काफी मेहनत लगती है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जब बात महिलाओं की आती है तब हार्मोन्स वगैरह की वजह से उन्हें बॉडी बनाने में और ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन अगर आप ड्रग्स की मदद से ऐसा कर रहे हैं तब तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। जी हाँ, बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अच्छा खासा नाम कमा चुकी नतालिया ने भी हमारी आज की फेक बॉडी लिस्ट में शामिल होकर ये बता दिया है कि
कि ये भी फेक बॉडी बिल्डिंग के ही शौकीन हैं। यूं तो इन्होंने कई बार वेट लिफ्टिंग से लेकर बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट तक हर चीज करके दिखाई है, लेकिन इन्होंने कई सारे इंटरव्यूज में ये भी कहा कि इस तरह की बॉडी को पाने के लिए उन्होंने स्टेरॉइड्स के साथ साथ ऐसे हार्मोन्स की मदद ली है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी में मेल हार्मोन्स की ग्रोथ होनी शुरू हो गई। इसी वजह से जब आप इनकी आवाज सुनेंगे तो आप इन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे कि कोई लड़की बोल रही है। किरिल तेरेशन। कुछ लोगों की बॉडी बनाने की जिद उन्हें किस हाल तक ले जाती है, अब आप खुद ही देख लीजिए। जहां इस रशियन लड़के की उम्र मात्र 25 साल है, लेकिन इतनी कम उम्र में इसने खुद को उस गंदगी में झोंक दिया जहां से बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स बाहर निकलना चाहते हैं। जी हां, इन्हें भी बॉडी बनाने का बहुत शौक था और खास करके इन्हें फूले हुए बाइसेप्स बहुत अच्छे लगते थे। और एक बार तो इनके साथ ऐसा हादसा हो गया जिसकी वजह से इन्हें बड़ा जलील किया गया, और तभी से इन्होंने सोच लिया कि अब ये एक बेहतर बॉडी बनाकर उन्हें दिखाएंगे और सबक भी सिखाएंगे, जिसके लिए इन्होंने अपने दोनों बाजू में 3 लीटर सिंथॉल इंजेक्ट लगवा लिया, जिसका असर आप इनकी तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे इनका हाथ पूरी तरह से फूल गया है, जो केवल दिखावट के अलावा और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनके इन हाथों में वो स्ट्रेंथ ही नहीं है जिससे किसी को धक्का भी मार सकें। इजिप्शियन पॉपे। दोस्तों, अगर आपको आपके बचपन का पॉपुलर कार्टून कैरेक्टर पॉपे द सेलर मैन याद है तो आप इन्हें देखकर बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। दोस्तों, इजिप्ट में रहने वाले मुस्तफा इस्माइल नाम के इस व्यक्ति की बॉडी को देखकर कोई भी आंख बंद करके कह देगा कि यह स्टेरॉइड्स का कमाल है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलतियां कभी नहीं मानते, और ये भी उनमें से ही एक है, जहां इन्होंने हमेशा से ही इस बात से इनकार किया है कि ये स्टेरॉइड्स लेते हैं। लेकिन इनके 31 इंच के बाइसेप्स को देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि इन्होंने जिम में मेहनत की होगी, क्योंकि वो स्टेरॉइड्स का ही कमाल है। लेकिन अगर इनकी बाकी की बॉडी पे नजर डालें तो वो कुछ खास नहीं है, और इनका अजीबोगरीब शरीर देखने में पूरी तरह से अजीबोगरीब ही लगता है। व्लादिर सगेतो। दोस्तों, सिंथॉल जैसे ड्रग को जहां इस्तेमाल किया जाता है वो हिस्सा बहुत ही ठोस और फूला हुआ नजर आता है, ये आज लगभग हर एक बॉडी बिल्डर जानता है। लेकिन फिर भी व्लादिर सगेतो नाम के शख्स ने किसी की एक न माने, और न सिर्फ अपने हाथ में बल्कि इस ड्रग का इस्तेमाल उन्होंने अपनी पीठ और छाती में भी करना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा आप खुद देख सकते हैं। मतलब ये इतने ज्यादा भयानक लगते हैं कि इन्हें अगर कोई बच्चा रात में देख लेगा तो वो भी डर जाएगा। अब ऐसे में आप खुद ही सोचिए, भला इस तरह की दवाइयां खाकर अगर आपकी बॉडी बन भी गई तो उस बॉडी का क्या फायदा है जब आप अंदर से ही पूरी तरह से खोखले हों। एडलिंडो डेसोजा। अब इन जनाब के बाइसेप्स देखकर आप भी बोलेंगे कि यार क्या डोले हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये डोले सिर्फ हाथी के दांत की तरह है जो दिखाए जा सकते हैं मगर किसी काम के नहीं है। ब्राजील के रहने वाले अर्लिंडो को इनकी होम कंट्री में द माउंटेन कहकर बुलाया जाता है, और इन्होंने भी ओपनली सबके सामने ये बताया कि इन्होंने सिंथॉल का यूज करके अपनी बॉडी बनाई है। अब देख सकते हैं कि इनका पूरा शरीर तो नॉर्मल है, लेकिन इनके बाइसेप्स इतने फूले हुए हैं कि उनको देखकर साफ लग रहा है कि उनमें कुछ झोल है। वैसे आपको बता दें, इन्होंने किसी भी तरह का ड्रग लेना अब बंद कर दिया है, क्योंकि एक समय ऐसा आया जब इनकी बॉडी काफी ज्यादा फूल गए थे, यहाँ तक कि ये ठीक से अपने हाथों को मूव भी नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर्स ने इनका इलाज करने से साफ मना कर दिया। फिर धीरे धीरे जैसे इनकी हालत सुधरी, तब से इन्होंने ठान लिया कि ये कभी सिंथॉल इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये हैं कुछ वो फेक बॉडी बिल्डर्स जो सिर्फ एक दिखावा हैं। उम्मीद करते हैं इन पर हमारी ये पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।